ईद के आते ही बाजारों में रश बढ़ जाता है। ईद छोटी हो या बड़ी, हम मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। आप देख रहे हैं मीडिया 360 कम्युनिकेशन और मैं हूं मुनज़्ज़ा कमल। आज हम आपको ले चलते हैं हैदराबाद के रेशम बाजार में। जैसे जैसे ईद के दिन कम होते हैं, गहमा गहमी बढ़ जाती है। मर्द हजरात, बच्चे, खवातीन सब ईद की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से कर रहे होते हैं। यहाँ छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए जाते हैं जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नहायत ही मुनासिब कीमतों में फ़रोख्त की जाती हैं। खाने पीने के स्टॉल्स के साथ साथ आपको जगह जगह जूसेस और डिफरेंट स्नैक्स भी मिलेंगे ताकि ख़वातीन अपनी शॉपिंग के साथ साथ अपनी एनर्जी को भी बूस्ट कर सकें खा पी कर। कपड़ों की तैयारी के साथ साथ इसके मैचिंग ज्वेलरी, शूज़ और दीगर एक्सेसरीज भी लाजमी खरीदी जाती हैं। और क्योंकि ये बकरा ईद है तो इसमें मसालों और खाना पकाने की चीज़ों पर भी बहुत फोकस किया जाता है ताकि गोश्त को नित नए तरीक़ों से पकाकर उसका लुत्फ उठाया जा सके। नौजवान बारबेक्यू की तैयारी भी साथ साथ कर लेते हैं, साथ साथ अपने लाए हुए जानवर यानी कुर्बानी के जानवरों को बहुत अच्छा सजाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए हार और घंटियाँ भी ख़रीदते हैं ताकि उनका जानवर सबसे खूबसूरत नज़र आए। और अगर आप इस ईद पर छुरिया तेज़ करवाना भूल गए हैं तो वो भी करवा लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में एक बात ज़रूर बोलूँगी, कच्चा पपीता लाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि आपकी अम्मी या आपके घर में जो मौजूद है ख़वातीन उनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अपनी कीमती राय के लिए मीडिया 360 कम्युनिकेशन के YouTube चैनल पर कमेंट करना ना भूलिएगा।